हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं की वजह से हम लोग भी ठीक हैं। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ एक मज़ेदार रेसिपी। आज मैं बनाने वाली हूँ लूसी और आलू दम, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। आलू दम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे छोटे छोटे आलू लिए हैं, देखिए। प्याज, हरी मिर्च, टमाटर लिए हैं, सारे काट लेना है और साफ़ कर लेना है। सबसे पहले लूसी के लिए मैंने यहाँ पे मैदा लिए है, इसमें स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी रिफाइन ऑयल और थोड़ी सी इसमें बेकिंग सोडा दे दूँगी। अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेना है। मैदा अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं, इसमें भी पानी दे दूंगी। पानी से मिक्स करके डो बना लेना है। ये देखिए, मैदा अच्छी तरह से मिक्स करके डो मैंने बना लिए हैं। थोड़ी सी ऑयल दे दूंगी और इस तरह से ढक्कन देके एक दो घंटे के लिए ऐसे ही रख दूंगी। और तब तक के लिए आलू दम बनाती हूँ। ये देखिए, आलू के सिलके निकल लिए हैं। अब इसी तरह से ठंडे पानी से धो लेना है। आलू अच्छी तरह से सब करके धो लिए हैं, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर भी काट लिए हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। आलू दम बनाने के लिए गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, इसमें तेल दे दूंगी और सारे आलू फ्राई कर लेना है। तेल गर्म हो चुकी है, इसमें भी आलू दे दूंगे। देखिए, आलू का कलर थोड़ी चेंज हो चुकी है। और भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ये देखिए गाइस, आलू अच्छी तरह से लाल लाल करके फ्राई कर लिए हैं। अभी तेल से निकाल लेना है और इसी कढ़ाई में आलू दम बनाऊंगी। सारे आलू तेल से निकल लिए हैं और इसमें से तेल भी कम कर लिए हैं। और इसमें सरसों का तेल दे देंगे। तेल गर्म हो चुकी है, इसमें जीरा दे देंगे, साथ साथ प्याज, हरी मिर्च। प्याज हरी मिर्च अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। प्याज हरी मिर्च लगभग फ्राई हो चुकी है, इसमें थोड़ी सी अदरक लहसुन का पेस्ट दे दूंगी। अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है प्याज हरी मिर्च के साथ। सारे फ्राई कर लिए हैं, इसमें अभी टमाटर दे देना है। और साथ साथ मसाला भी। इसमें स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा और इलायची पाउडर और थोड़ी सी धनिया पाउडर। सारे मसाला दे दिए हैं, अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
सारे मसाले के साथ टमाटर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है जब तक पूरी तरह से गल ना जाए। पूरी तरह से गल चुकी है, इसमें अभी आलू देके पकाना है। सारे मसाले के साथ आलू अच्छी तरह से पकाना है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी कलर आई है। ये देखिए गैस, गैस का फ्लेम लो करके आलू अच्छी तरह से पकाया है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही बढ़िया खुशबू निकल रही है, सॉफ्ट हो चुकी है। इसमें अभी थोड़ी सी पानी दे देना है। पानी दे दिए है, अभी हाई फ्लेम में 2-3 मिनट तक पकाना है। ये देखिए पानी में उबाल आ चुकी है, लगभग हो चुकी है और थोड़ी सी पकाना है। ये देखिए गाइस, फाइनली आलू दम हमारी पूरी तरह से हो चुकी है। अभी गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और लूसी बनाऊंगी। देखिए मैदा कितनी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, अभी लूसी बनाएंगे। ये देखिए गाइस, एक लूसी मैंने बना लिए है। ये देखिए 2 लूसी मैंने बना लिए हैं और एक बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए सारे लूसी इस तरह से बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, लूसी मैंने बना लिए हैं, तो चलिए अभी फ्राई करते हैं। लूसी फ्राई करने के लिए गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें तेल दे दिए है, अभी सारे फ्राई कर लेना है। ये देखिए कितनी अच्छी से लूसी हमारी फूल चुकी है। देखिए बहुत ही अच्छी डो बनी थी। फ्राई कर लिए कितनी अच्छे से फूल रही है। देखिए ये लूसी भी हो चुकी है।
फ्राई कर लिए हैं, कितनी अच्छी से फूल रही है। इस तरह से सारे लस्सी फ्राई करके आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखिए लस्सी भी मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं। देखिए कितनी अच्छी और फुला फुला बन गई है। देखिए कितनी अच्छी से फूल चुकी है, बहुत ही अच्छी लग रही है। एक प्लेट में सर्व करके आप लोगों को दिखाती हूँ, एक प्लेट में सर्व करके आप लोगों को दिखाती हूँ लस्सी और आलू दम कैसी बनी। ये देखिए फ्रेंड्स आलू दम हमारी कितनी अच्छी लग रही है, एक बोल में सर्व कर लिए हैं। और लस्सी भी आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिए कितनी अच्छी से फूल चुकी है, बहुत ही बढ़िया खुशबू भी निकल रही है। लस्सी के साथ आलू दम इस तरह से बना के खाए तो बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए एक प्लेट में सर्व करके आप लोगों को दिखाती हूँ। एक प्लेट में मैंने सर्व कर लिए हैं। देखिए कितनी अच्छी से लस्सी हमारी फूल चुकी है, आप लोग घर में इस तरह से बना के ज़रूर खाएं। देखिए आलू भी पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।